Hello dear students, so today we will be talking about the various trigonometric identities, which is the last topic of the chapter of trigonometry. So last few videos में हमने बहुत सारी basic चीज़ें सीखे trigonometry से related, basic functions सीखे, basic functions की definition सीखी, फिर हमने कुछ specific angles के लिए सारे trigonometric ratios के values भी सीखे. So I hope आप सबको वो सारी topics बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. सो जैसे आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा आइडेंटिटीज़, विच वेयर समवॉट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, जो होता था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो इस तरह से हमने एलजेब्रा में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी भी है. तो वैसे ही कुछ आइडेंटिटीज़ होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि कौन कौन सी वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ वेरी सिंपल एंड द मोस्ट पावरफुल, राइट, जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रूव करने में हेल्प करेंगी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन. सो आई होप कि आप सबको पता होगा कि आइडेंटिटीज आर लाइक फैक्ट्स, राइट, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा. ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज जैसे होते हैं जिन्हें आप पुट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली एंड कम टाइम पे सॉल्व कर पाओगे. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन. सेकेंड आइडेंटिटी इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. एंड सिमिलरली द थर्ड आइडेंटिटी इज वन प्लस, देखो सेकेंड अगर आपको लिखना आता है तो आप थर्ड इजिली लिख पाओगे. टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा. एंड सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा. Not reciprocal actually, more precisely complementary, right? Tan का complementary होता है cot square theta and sec का complementary होता है cosec square theta, जो हमने last videos में देखा है. तो ये तीनों identities are very very important, इन्हें हमें याद करना होगा. But since हम कुछ भी चीज़ें ऐसे याद तो नहीं करते, right? तो हमें इसके पीछे का actual ये कहाँ से आया वो भी समझना चाहिए. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको कहीं प्रूफ करने नहीं बोला जाएगा, बट इट्स बेटर टू नो सो दैट कि आपको इजीली पता रहे कि ये चीज़ें कहाँ से आई है, और इससे आपका बेसिक भी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो हम फर्स्ट पहले देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन का प्रूफ. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है. तो हम एकदम बेसिक से जाएंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये मान लो एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंड एंगल सी इज आर थीटा. तो यहाँ से अगर हम लिखें तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? हमने एक सेंटेंस याद किया था, राइट, सम पीपल हैव. सो साइन थीटा विल बी नथिंग बट पी बाई एच. एंड सिमिलरली कॉस थीटा ओवर हियर विल बी कर्ली ब्राउन हेयर. सो ब्राउन हेयर. तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को रेफर करें तो यहाँ पर P मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, विच इज नथिंग बट साइड ए बी. एंड हाइपोटेनस क्या हो गया? साइड ए सी. सिमिलरली यहाँ पर बेस हो गया साइड बी सी एंड हाइपोटेनस हो गया साइड ए सी. तो अब अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर. तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो नीचे हमारे पास है ए सी स्क्वायर एंड ऊपर में हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो डोंट यू थिंक इट विल बी नथिंग बट ए सी स्क्वायर, राइट? तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाई, ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में था ए सी स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वन. तो देखो यही तो हमें लाना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन. तो सिमिलरली हम सेम कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फॉर द सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा,
राइट. एंड सिमिलरली हम थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग 1 cot square theta equals to cosec square theta यूजिंग अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम. अब यहां पर हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा को एक्सप्रेस करना है तो हम इजीली 1 cos square theta लिख सकते हैं, और अगर हमें cos square theta को एक्सप्रेस करना है तो हम इजीली 1 sin square theta भी लिख सकते हैं, राइट. तो जब हम एक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमें दो आइडेंटिटी फ्री में मिल रही है, राइट. तो हमें ये चीज़ आना चाहिए कि हम कैसे एक साइड से दूसरे साइड वेरिएबल्स को लेकर जाएंगे, एक फंक्शंस को लेकर जाएंगे, ताकि हम उसे सब्स्टिट्यूट कर पाए इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट. अब सेकेंड आइडेंटिटी से भी हम लोग देख सकते हैं जो था 1 tan square theta equals to sec square theta. तो यहाँ से अगर हमें tan square theta की वैल्यू चाहिए तो हम इजीली लिख सकते हैं sec square theta minus 1, और अगर हम tan square theta minus sec square theta करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा just 1. तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमें इक्वेशन में कहीं सिर्फ 1 लिखा हुआ रहेगा, तो हमें अपने नीड के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसे सब्स्टिट्यूट करना पढ़ सकता है. सो सिमिलरली थर्ड इक्वेशन, थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं जो था 1 cot square theta equals to cosec square theta. तो यहाँ हम cot square theta की वैल्यू को लिख सकते हैं cosec square theta minus 1, एंड सिमिलरली cosec square theta minus cot square theta equal to 1. आई थिंक यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ tan square theta इधर जाएगा तब ये 1 होगा. सो दिस विल बी जस्ट द ऑपोजिट, दैट इज sec square theta minus tan square theta equals to 1, राइट. हम साइड चेंज कर रहे हैं, इसे अगर हम इधर लेके जाएंगे तब पॉजिटिव 1 बचेगा, अदरवाइज अगर उस फॉर्मेट में लिखना था, मतलब tan square theta minus sec square theta लिखना था, तब ये हो जाता है इक्वल टू माइनस 1. तो उस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, जस्ट हमें साइन का ध्यान रखना है. सो थर्ड आइडेंटिटी से हमें मिल गया cot square theta की वैल्यू लिखनी है तो cosec square theta minus 1, और अगर 1 की वैल्यू लिखनी है तो cosec square theta minus cot square theta. सो ये तीन आइडेंटिटीज है जिनको यूज करके हम बहुत सारी प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इस टाइप की क्वेश्चन बोथ CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड के 10 के एग्जाम में आती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर ईयर ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पक्का आता है. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू अप्लाइंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है. सो लर्न द आइडेंटिटीज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.